बहुत महत्वपूर्ण है। आगे जो है वो एसपी जो है अंबाला के वो है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सोनीपत में इस सिचुएशन को देखा है, वो पूरी चीज़ों पर नियंत्रण कर रहे हैं। आप देखिए अनाउंसमेंट शुरू हो गई है, डीएसपी है अमन कुमार वहाँ पहुँच गए हैं और लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। आपको तेज़ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए आप देखिए जल्दी आइए ये दीपक अब सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आरएएफ की टुकड़ियां निकल चुकी है और जो है यहाँ पर ये देखिए पुलिस भाग रही है, ये देखिए ये भगाया जा रहा है यहाँ से, यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई थी, यहाँ देखिए ये तस्वीरें तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पकड़ के ये देखिए भीड़ को नियंत्रण किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर आओ देखिए आरएएफ की टीम, वहां पर लोग आए थे, वहां से आप देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये देखिए वहां पहुंच गए वो लोग, ये तस्वीर है जो लोग वहां पर इकट्ठा हुआ था उनको बिल्कुल इस वक्त भी था वहां से, ये दूर ये देखिए ये तस्वीर तो यहाँ पर जो है ये देखिए जो आप तस्वीरें देख रहे हो आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा साफ तौर पर कितने आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। तकरीबन पिछले 10 मिनट से इसी तरीके से यहाँ पे गोलाबारी हो रही है, जिस तरीके से नौजवान थे आगे खड़े हुए थे, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से लगातार जो गोलाबारी है वो लगातार की जा रही है। दूसरी तरफ किसान संगठन है वो यहाँ पर खड़े नजर आ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ लगातार तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर लोगों को पकड़ के ले जाया जा रहा है, इनको मना किया गया था कि बिल्कुल भी इस तरह का कोई कार्य ना करे, ठीक है, तो यहाँ पर इनको ले जाया गया है, इनको मना किया गया था, धारा 144 है और यहाँ पर आप देखिए ये यहाँ पर लोगों को डिटेन किया जा रहा है, ये तस्वीर तो ये लोग हैं। सर आप कहाँ से आए? तो यहीं से आए जी, हम तो लोकल आए जी, तो ये बता रहे हैं कि ये यही के लोग हैं, लेकिन इनको मना किया गया था, खुद जो है कमान संभाले हुए हैं डीएसपी यहाँ पर और उन्होंने धारा 144 लगी होने की अनाउंसमेंट की थी और कहा था कि यहाँ पर मत खड़े हों, ये एक संवेदनशील इलाका है, यहाँ पर कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। देखिए अब उनको ले जाया जा रहा है, तो ये स्थिति इस तरफ भी उत्पन्न हो रही है, अंबाला की तरफ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो ये तस्वीरें आप देखिए, तो यहाँ आरएएफ की टुकड़े अब यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर अब स्मोक गन का इस्तेमाल हो सकता है, स्मोक गन का इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पर जो अधिकारी है डीएसपी अमन कुमार, उन्होंने कहा कि स्मोक गन लगाई जाए और यहाँ पर लोगों को तितर बितर किया जाए, यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठी हो रही थी, तो यहाँ पर आप देखें तो लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तो ये तस्वीरें यहाँ इस तरफ अंबाला की है, आप देखिए लगातार जो है आप स्मोक गन मंगाई जा रही है, स्मोक गन के जरिए जगह पे चार गोले, एक दो तीन चार गोले जो आपको इसी एक पॉइंट पे नजर आ रहे हो, तो आप सोच सकते हो कि क्या हालात होंगे जब एक एक जगह पे चार गोले फेंके जाएंगे।